चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए स्टडी जरूरी है, अच्छी स्टडी करके अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है एडमिशन के लिए, उसी प्रकार से अच्छी काउंसलिंग करवा के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं लेकिन काउंसलिंग के नॉलेज के अभाव में वो अच्छी कॉलेज नहीं ले पाते हैं और उनको 5.5 साल तक ये कमी अखरती रहती है कि काश मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे, मेरे को इस मार्क्स पर वो कॉलेज मिल जाता और मैं अच्छी तरह से MBBS, BDS, IUC या वेटनरी का कोर्स कर पाता। तो जिस प्रकार से स्टडी इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से काउंसलिंग भी एडमिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। आपको कॉलेज के बारे में, उसके इंफ्रा के बारे में, टीचिंग फैसिलिटी के बारे में, फीस के बारे में, ये सब पूरी की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। कितना सर्विस बॉन्ड है, पीजी के लिए क्या फायदा होगा, उसमें सुपर स्पेशलिटी कोर्स है उसमें नहीं है, फीस कितनी है, कट ऑफ लोकेशन, हॉस्पिटल उसका कितना अच्छा है, टीचिंग फैसिलिटी क्या है, इंफ्रा क्या है, तो ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। कौन सी टॉप कॉलेज है, हमें हमारे मार्क्स पर हमें कौन सी अच्छी कॉलेज मिल सकती है, तो इस प्रकार का नॉलेज हर एक आदमी को होना चाहिए काउंसलिंग के बारे में। तो ये नॉलेज हम या तो नेट पर ढूंढते हैं जो कि पूरी जानकारी हमें मिलती नहीं है, और जो जानकारी मिलती है वो आधी अधूरी होती है और वो सही नहीं होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इस काउंसलिंग के ऊपर एक बुक लिखी है। काउंसलिंग के ऊपर बुक लिखी है, ये 3 प्रकार की बुक है। ऑल इंडिया कोटा की बुक है, स्टेट की है जिसमें सभी स्टेट्स के बारे में दिखाया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक है। आयुष और वेटनरी की बुक है, ये 3 प्रकार की बुक है। तो ये बुक में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन है जैसे कट ऑफ के बारे में एक तो समझाया है, प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की क्या कट ऑफ रही थी, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार भी। आप जो पिछली बार कट ऑफ रही थी हर एक कॉलेज की, उसमें आप अपने मार्क्स में 5 मार्क्स ऐड करके देख लें कि पिछली बार जो कॉलेज मिली थी वही कॉलेज आपको मिल सकती है। फीस के बारे में, इसके बारे में, सीट्स के बारे में, कितनी सीट्स है, इसके बाद में इसमें टॉप से लोएस्ट के क्रम में, टॉप टू लोएस्ट के क्रम में इसमें कॉलेज दिखाई गई है। इसमें च्वाइस लिस्ट दी गई है 22 के लिए, आप किस प्रकार से कौन सी कॉलेज पहले फिल करेंगे, कौन सी कॉलेज बाद में फिल करेंगे। बॉन्ड के बारे में जानकारी है इसमें, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके बारे में जानकारी है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैंने इस बुक में दे दी है। इसका मैंने एक प्राइस सेट किया है, वो प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, वो इतना है कि एक स्टूडेंट का 3 महीने का अनावश्यक जो एक्सपेंडिचर होता है वो अगर 3 महीने नहीं करे तो ये बुक के ले सकता है आराम से, और पेरेंट्स का 1 महीने का अनावश्यक है। तो ये इतना ज्यादा भी नहीं है, मैंने इसको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर रखा है क्योंकि इसको बनाते समय में काफी एक्सपेंडिचर हुआ है, काफी दिनों तक मेहनत काफी स्टाफ ने की है इसमें, तो इस प्रकार से इसमें रखा गया है। तो मैं सोचता हूं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, इससे आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं और अच्छी बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल चोपड़ा एजुकेशन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए मैं आपके कुछ स्क्रीन शॉट्स दिखा देता हूं ताकि आपको ये मालूम चले कि इस बुक में मैंने क्या क्या दे रखा। पहले हम स्टेट कोटा की बात करें तो इसमें मैंने सभी स्टेट्स के प्रोसीजर को समझा रखा है। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह, इसमें सीट मैट्रिक्स कितनी है उसके बारे में अच्छी तरह समझाया है। इसके बाद में हम देखें इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, फर्स्ट राउंड में क्या रही थी, सेकंड राउंड में क्या रही थी, मोपअप राउंड में क्या कट ऑफ रही थी, कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में बता रखा है। इसके बारे में, इसके बाद में हम इसमें देखें तो इसमें जो बॉन्ड वगैरह है उसके बारे में समझा रखा है, राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझा रखा है। इसके बाद में आगे हम इसमें देखें तो इसमें प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी, सभी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जिसमें ओपन कोटा है उसके बारे में भी समझाया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है इसमें। इसके बाद में हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में भी मैंने अच्छी तरह इसमें समझा दिया है कि कौन सी कितनी ट्यूशन फीस है, क्या फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही थी, क्या सेकंड राउंड की कट ऑफ रही थी,
इस प्रकार से मैंने ये सारा इस बुक में समझा दिया है। इसके बाद में प्रीवियस ईयर में मार्क्स वर्सेज रैंक क्या रही थी, इसके बाद में सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया की क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, कौन से ईयर में कौन सी कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी, कौन से स्टेट में है, फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी, सेकंड राउंड में क्या मोपअप, सारी राउंड्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी इसमें बता दिया है। टॉप से लोवेस्ट के क्रम में भी कॉलेज को दिखा दिया है। इस प्रकार से आयुष और वेटनरी की कॉलेज में भी दिखाया गया है। तो मैं सोचता हूँ ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इतना ज़्यादा इसका एक्सपेंस भी नहीं है कि आप बहुत कुछ इसके लिए पे कर रहे हैं, फिर भी आपको अच्छी लगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दें। इसके बाद में इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in या फिर टेलीग्राम चैनल चोपड़ा एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी काउंसलिंग की, आपको कैसे हेल्प मिल सकती है उसके बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।